आज के इस वीडियो में जो है हम लैग्रेंज थ्योरम पर आधारित दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो पहला सवाल है वो ये है कि एक आयरन का ब्लॉक है जिसका की मास जो है वह है 30 किलोग्राम और इसे जो है दो सपोर्ट से लटकाया गया है, एक सपोर्ट ए है और दूसरा सपोर्ट बी है। इसी से यहां पर इस आयरन के ब्लॉक को लटकाया गया है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये दो रस्सियां हैं और हमसे ये पूछा गया है कि ये जो दोनों रस्सियां हैं इनमें टेंशन क्रिएट कितना हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इस रस्सी में जो टेंशन यहां पर क्रिएट हो रहा है ये मान लेते हैं कि ये टेंशन है T1। सो इस रस्सी में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है यह है T1 और वहीं पर ये जो दूसरा वाला रस्सी है इसमें मान लेते हैं कि जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ये टेंशन है यहां पर T2। तो इस रस्सी में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ये है T2। तो ये T1 और T2 कितना होगा यही हमें पता करना है। तो उसके लिए आप देखें यहां पर ये जो आयरन का ब्लॉक है इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। सो इस आयरन का जो है ब्लॉक जो है इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहां पर इसका वेट कितना होगा इसे भी हमें पता करना होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका वेट कितना होगा। हमें पता है कि जो वेट होता है W ये बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि यहां पर ये जो मास है इस आयरन के ब्लॉक का जो मास है वह है 30 किलोग्राम और हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका जो वैल्यू है यह है 9.8। तो यही बन जाएगा 294 न्यूटन के। तो यहां पर इस आयरन के ब्लॉक का जो वेट है जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है जो कि है यहां पर 294 न्यूटन के। तो यहां पर हो गए तीन फोर्स, एक T1, दूसरा T2 और तीसरा ये 294 न्यूटन। तो हमें जो है T1 और T2 को पता करना है। तो यहां पर लैग्रेंज थ्योरम को अप्लाई करने से पहले जो है हमें इन तीनों फोर्स के बीच में एंगल भी पता करना होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि एंगल कितना होगा। तो ध्यान से देखें यहां पर ये जो एंगल है ये कितना है, ये है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये होगा यहां पर 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहां पर जो टोटल एंगल होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल ये होगा यहां पर 135 डिग्री। सो ये होगा 135 अंश। अब यहां पर ये वाला एंगल कितना है, ये वाला ये है यहां पर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला ये है 30 डिग्री, तो यहां पर जो टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला ये कितना होगा, ये होगा यहां पर 120 डिग्री। तो यहां पर दो एंगल तो हमने पता कर लिया है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना ये है कि यहां पर जो ये वाला एंगल होगा ये वाला ये कितना होगा। तो यहां पर ये जो एंगल होगा वो देखे कितना होगा, वो होगा यहां पर क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला ये है 45 डिग्री और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री और यहां पर ये जो टोटल एंगल है ये वाला ये होगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम 180 डिग्री में से 75 डिग्री को घटा देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, सो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये होगा यहां पर 105 डिग्री के। सो तीन एंगल हमें पता चल गए। अब यहां से जो है हम लैग्रेंज थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हम T1 और ये जो T2 है इनके वैल्यू को पता करेंगे। तो यहां पर जो है लैग्रेंज थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर T1, सबसे पहले हम T1 को लिखेंगे। तो ये T1 डिवाइडेड बाय साइन, बाकी के जो दो फोर्स होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो, तो बाकी के जो दो फोर्स है एक है T2 और दूसरा है 294 न्यूटन, इनके बीच का जो एंगल है वह है 120 डिग्री। तो हमें इसे लेना होगा। सो यहां पर ये हो गया 120 डिग्री और ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा T2, यहां पर ये बराबर होगा T2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा साइन ऑफ अपोजिट एंगल जो कि है T2 का अपोजिट एंगल है 135 डिग्री। तो यहां पर होगा साइन ऑफ 135 डिग्री और ये बराबर होगा यहां पर 294 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105 डिग्री के। तो अब
हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये T1 है जो है इसे पता करेंगे। तो T1 को पता करने के लिए हम जो है इसे इसके बराबर करेंगे, और जब हम T2 को पता करेंगे तो हम जो है इसे इसके बराबर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहां पर इसे जो है ये जो आपको दिख रहा है T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120 अंस, इसे जो है हम यहां से कॉपी करेंगे और फिर हम जो है इसे बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, हम इसे जो है बराबर करेंगे इसके। तो इसे भी यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। तो अब हमने जो है यहां पर इन दोनों को प्लेस किया और यहां से हम T1 का जो वैल्यू है इसे पता करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे कि ये जो T1 है, ये जो यहां पर T1 है, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 294 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105 डिग्री के। तो अब ये बराबर हो जाएगा 294 इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। इसका जो वैल्यू होता है अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 0.866 डिवाइडेड बाय, अगर आप साइन ऑफ 105 डिग्री के वैल्यू को कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 0.966। और जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो T1 है, ये जो T1 है ये होगा किसके बराबर, ये होगा यहां पर 263.566 न्यूटन, 66 न्यूटन। सो 263.566 न्यूटन ये होगा T1 का वैल्यू। इसी तरह से हम यहां पर T2 के भी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो T2 को वैल्यू को हम पता करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है यहां पर इन दोनों को एक साथ रखेंगे। सो हम यहां पर इसे इसके बराबर करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो T2 होगा ये किसके बराबर होगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो T2 है, ये जो T2 है ये बराबर होगा 294 इंटू साइन ऑफ 135 डिग्री डिवाइडेड बाय यहां पर जो है ये साइन ऑफ 105 डिग्री जो है ये, तो यहां पर होगा साइन ऑफ 105 डिग्री के। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि होगा 294 इंटू साइन ऑफ 135 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये होगा यहां पर 0. जब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 0.707। ये किसका वैल्यू है, ये यहां पर इसका वैल्यू है डिवाइडेड बाय यहां पर होगा साइन ऑफ 105 डिग्री का वैल्यू जो कि यहां पर है 0.966। तो ये हो जाएगा 0.966। तो जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये बराबर होगा, मैं इसे थोड़ा यहां पे रखता हूं ताकि मुझे थोड़ा जगह मिलेगा। तो यहां पर ये बराबर होगा, ये जो T2 है ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा 215.2 न्यूटन के। सो 215.2 न्यूटन हो गया ये T2 का वैल्यू है। तो हमने यहां पर T1 और T2 इनके वैल्यू को यहां पर पता कर लिया है। अब चलिए दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि यहां पर एक स्मूथ स्फीयर है जिसका की जो मास है वह है 2 किलोग्राम और ये सपोर्टेड है यहां पर एक चैन से, और यहां पर ये जो चैन है ए बी, इसका जो लेंथ है वो बराबर है इस स्फीयर के रेडियस के। अगर इस स्फीयर का रेडियस देखे तो आर है, तो यहां पर ये जो चैन है इसका जो लेंथ होगा ये भी होगा आर। और हमें यह पता करना है कि यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, और साथ ही साथ हमें यह पता करना है कि यहां पर ये जो चैन है इसमें टेंशन क्रिएट कितना होगा, और ये जो वॉल है, ये जो आपको वॉल दिख रहा है, ये वॉल इस स्फीयर पर रिएक्शन कितना अप्लाई करेगा। तो यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो स्फीयर है इसका जो वेट है वो तो नीचे की तरफ काम करेगा, तो यहां पर इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। सो mg जो होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि यहां पर mg कितना होगा। सो w ये बराबर होगा mg के। तो चूंकि ये जो स्फीयर है इसका जो मास है ये है 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो है हम 9.8 मानते हैं, तो यहां पर होगा 9, यहां पर ये होगा 9.8। तो ये बराबर हो जाएगा
19.6 न्यूटन। तो यहां पर इसका जो वेट है, इस स्फीयर का जो वेट है, यह 19.6 न्यूटन नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब यहां पर ये जो चैन है इसमें टेंशन क्रिएट होगा, सो यहां पर इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा। तो यहां पर ये जो टेंशन क्रिएट होगा, हमने ये मान लिया कि ये टेंशन है यहां पर टी। चलिए अगर हम मानते हैं कि चैन में जो टेंशन है ये है टी, तो ऑब्वियसली इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट यहां पर ऊपर होगा और दूसरा यहां पर इसी पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, यही जो है इस वॉल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, मान लेते हैं कि ये है टी डैश, तो यहां पर ये टी डैश जो है, ये इतना फोर्स ये जो है ये स्फीयर इस वॉल पर अप्लाई करेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि यहां पर ये जो वॉल है ये भी उतना ही फोर्स इस स्फीयर पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये जो है ये रिएक्शन वाला फोर्स ये आर है, तो ये बराबर होगा टी डैश के ही। तो यहां पर देखें तीन फोर्स हो गए। तीन फोर्स कौन कौन से हुए? एक तो यहां पर इसका वेट, दूसरा यहां पर इस चैन में टेंशन, और तीसरा यहां पर ये रिएक्शन जो कि यहां पर ये वॉल इस स्फीयर पर अप्लाई कर रहा है। तो तीन फोर्स हो गए। हमें पता क्या करना है, हमें यहां पर ये जो चैन है इसमें टेंशन क्रिएट कितना हो रहा है इसे पता करना है, और साथ ही साथ हमें जो है ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वॉल अप्लाई कर रहा है इस स्फीयर पर उसे पता करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए यहां पर ये हो गया एक पॉइंट, चलिए यहां पर ये हो गया एक पॉइंट, और फिर जो चैन में टेंशन क्रिएट हो रहा है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर ये हो गया चैन में टेंशन, ये मान लेते हैं कि ये है टी, जैसा कि हमने इससे पहले कंसीडर किया है। सो ये हो गया टी, और इसका वेट जो है, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो यहां पर ये हो गया इसका वेट जो कि है 19.6 न्यूटन। और यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो देखे किस डायरेक्शन में है, वो यहां पर इस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हम यहां पर ये कुछ ऐसा बनाएंगे। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पर देखे तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये होगा 90 डिग्री। तो अब हमें ये पता करना है कि यहां पर ये एंगल कितना होगा, और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना होगा कि इनके बीच में ये एंगल कितना होगा। इसके लिए अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं कुछ ऐसे, तो यहां पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस केस में अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा, और साथ ही साथ देखें तो यहां पर ये जो साइड होगा इसका इस ट्रायंगल का, ये तो होगा इसका रेडियस ही, इस स्फीयर का ये रेडियस ही होगा। तो ये जो साइड होगा इसका जो लेंथ होगा ये भी होगा आर, क्योंकि यहां पर देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है ये भी है इस स्फीयर का रेडियस, तो ये भी होगा आर, और इस चेन का लेंथ भी है आर। तो यहां पर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, सो यहां पर जो टोटल लेंथ होगा ये होगा यहां पर 2r। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में जो है कोसाइन ऑफ थीटा का यूज करता हूं तो देखें मैं क्या मिलेगा। तो यहां पर जो कोसाइन ऑफ थीटा होगा, कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा इसका जो बेस है आर डिवाइडेड बाय जो कि है इसका हाइपोटेन्यूज जो कि है यहां पर 2r। तो अब यहां पर ये जो r है ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ये बराबर होगा हाफ के। तो यहां पर ये बराबर हो गया हाफ के। सो अगर कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू हाफ तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब अगर इस फिगर में आप देखें, मैं यहां से इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाता हूं जैसा कि हमने यहां पर किया हुआ है, ये आपको जो दिख रहा है यही वाला। तो यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल कितना होगा, ये होगा यहां पर 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है ये है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री अगर दोनों को जोड़ दें हम, तो यहां पर ये टोटल एंगल हमें मिलेगा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये होगा 150। तो यहां पर ये जो टोटल एंगल बना, ये टोटल एंगल हुआ यहां पर 150। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा इस जगह पर, ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री। तो हमने यहां पर एंगल को भी पता कर लिया है।
अब हमें ये टी और आर किसी भी तरह से पता करना है, तो इसके लिए हम यहां पर अप्लाई करेंगे लामीज थ्योरम को। तो लामीज थ्योरम ये कहता है कि एक फोर्स जो होगा, ये वाला अगर फोर्स मैं लेता हूं टी, टी ये डिवाइडेड बाय में होगा यहां पर बाकी के जो दो फोर्स होंगे इनके बीच का ये जो एंगल होगा इसका साइन वैल्यू। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। सो साइन ऑफ 90 डिग्री ये बराबर होगा, अगर मैं यहां पर आर को लेता हूं तो ये डिवाइडेड बाय होगा साइन ऑफ यहां पर ये होगा 150, और ये बराबर होगा 19.6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री। तो आप अगर यहां से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो टी है इसे पता करूंगा। तो इसके लिए हमें इसे इसके बराबर करना है, तो चलिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं। सो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां से कॉपी करने के बाद मैं यहां पर इसे पेस्ट करता हूं, और यहां पर ये जो है ये इसे भी यहीं से कर लेते हैं कॉपी। तो यहां भी इसे हमने कर लिया कॉपी और हमने इसे कर दिया पेस्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो टी है ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा यहां पर 19.6 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री। तो अगर यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये साइन 90 डिग्री के वैल्यू को आप देखते हैं तो ये होगा 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 19.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री। इसका जो वैल्यू होगा अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 0.0866 के। तो यहां से ये बराबर होगा यहां पर ये जो टी है जो कि इस चेन का टेंशन है, तो ये बराबर होगा यहां पर 63 न्यूटन के। तो हमने यहां पर टेंशन को पता कर लिया है, अब हमें यहां से पता करना है ये आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं अगर हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं, मतलब हम इसे इसके बराबर रखते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे कि ये जो आर होगा ये आर बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा 19.6 इंटू साइन ऑफ 150 यहां पर 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री के। तो अब ये बराबर हो जाएगा 19.6 इंटू यहां पर ये जो साइन ऑफ 150 डिग्री है, अगर आप इसके वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा हाफ मतलब 0.5 मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री। इसका वैल्यू जो होगा ये होगा 0.866 के। सो जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो आर होगा ये होगा 11.31 न्यूटन के। तो यहां पर हमने आर और ये जो टेंशन है इस चेन में इसे पता कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।